आपका नाम? मेरा मोहम्मद आसिफ। अच्छा, क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है साहब, ये लोग हैं दबंग इनके बाप, जिसने हमने हम पे हमला कराया राइफलों से। इनका बाप हिस्ट्री शीटर रहा है पहले भी, और ये डकैती में भी वहाँ मुजफ्फरनगर में एक वकील साहब के यहाँ डकैती, इन्होंने मर्डर भी किया था, उनके यहाँ लूट मारी थी। तो हमेशा ये मोहल्ले वालों को दबंगी उसमें रखते हैं। इन्होंने हमला जो है, बच्चों बच्चों की लड़ाई हुई, बच्चे को छेड़ देगा, इसका बच्चा सामान लेना आया दुकान पे, कहने लगा तू मेरे बाप को नहीं जान, कितने बड़े बदमाश है। किस बात आपका? इस सामान लेने पे उधार, वो क्या नाम, फ्री सामान ले रहा था दुकान पे से। तो उन्होंने कहा बेटे तू चला जा, और इन्होंने फिर वो अपने बाप को बुला के लाए राइफल वगैरह हथियारों से उनके, और साथ में अभियुक्त थे, पहले भी करप्टेड हैं, पहले भी बहुत सारी रिपोर्ट हैं। आज पंचायत हुई थी, पंचायत में क्या हुआ? पंचायत में इसी बात पे कि हमने अपने बच्चे को मारा पीटा, के हम से वो जो कुछ है वो हुई। उन्होंने कहा अगर जो बच्चे को आज के बाद उधार को मुहैया सामान देने को मना कर दिया तो गोलियों से मार देंगे। और तुम्हें पता हमारे पास कैसे कैसे हथियार इम्पोर्टेड, हमारा बात पाकिस्तान से चुरो के लाया हथियार। तो अब आप लोगों के क्या लगा है? हमारे गोली मारी है, गोली चलाई है, एक अनवर भाई के गोली बराबर में को निकली है, और धारदार हथियार थे, एक तलवार थी, पता नहीं कैसी थी, इतनी लंबी तलवार जो उसके सिर में मारी है सीधी, अकरम के यहाँ लगी है। और कितने लोग घायल हैं? हमारे 5 लोग घायल हैं।